Hi everyone, this is Shraddha from the Three Wheeler Car. So how are you doing today? I hope you all are safe and good at home. I wish you a very happy Mother's Day from all of us, and I really hope that you guys are all safe and have a good health. So आज मेरी बेटी का को 8 months complete हो गए हैं एंड मदर्स डे भी है, तो हमने सोचा चलो कुछ सेलिब्रेट किया जाए क्योंकि हम घर पे हैं, फ्री हैं. सो वी थॉट ऑफ मेकिंग केक टुडे. तो हम ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस हमारे पास कुछ ओरियो बिस्किट्स थे, थोड़ी सी चॉकलेट्स थी, बटर था, तो ये सब चीज़ें हर्शीज एंड ऑल था. तो हमने सोचा कि चलो छोटा मोटा एक केक बनाया जाए आज. तो उसके लिए मैं पूरी रेसिपी नहीं दिखाने वाली क्योंकि मैं बहुत कोई सुपर शेफ नहीं हूँ ऑब्वियसली. तो थोड़ा बहुत जो मैंने रेडी किया है, आई जस्ट क्विकली शेयर विद ऑल ऑफ यू. आई विल शो यू. ओके, वन सेकेंड. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी टेकन दिस बैटर. आई मीन इसमें थोड़ा सा मैंने फ्लावर ऐड किया है और ओरियो बिस्किट्स को क्रश काइंड ऑफ कर दिया है. और मेरे पास एक हर्शीज पड़ा हुआ था बहुत टाइम से, एकदम फुल है, तो मैंने सोचा चलो इसको यूटिलाइज़ किया जाए और एटलीस्ट इन सब चीज़ों से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल जाता है, नथिंग एल्स. ये मैंने थोड़ी सी शुगर क्रश करी है, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा है तो इसे पता नहीं कितना डालूंगी, देखते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग. और ये मैंने क्रीम अलग कर लिया है. आई डोंट नो मैं इसका क्या करने वाली हूँ, बट आई थिंक कुछ टॉपिंग के लिए हम इसे यूज़ कर लेंगे लेटर ऑन, मतलब देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे. और ये मैंने थोड़ा सा चॉकलेट का पेस्ट जैसे बना लिया है जो कि मैं इसमें यूज़ करूँगी. मे बी अभी थोड़ा सा ऐड कर दूँगी कि थोड़ा सा शायद टेस्ट इन्हांस हो जाएगा, तो उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा बना लिया है. और ओके सॉरी, हाँ सो वंस इट इज़ डन, मैं पूरी रेसिपी नहीं दिखाने वाली हूँ, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज मैं आई एम नॉट वेरी गुड इन कुकिंग. मतलब मैं ठीक हूँ, ओके ओके टाइप्स, लाइक खाना बना लेती हूँ, खा लेते हैं और ठीक भी लग जाता है, बट ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत अमेजिंग टाइप का बना देती हूँ. ऐसे वाले क्या बोलते हैं उसे, कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा कम है मेरे अंदर. सो एक बार ही बन जाएगा, देन हम थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे वाने के साथ, क्योंकि उसको 8 months कंप्लीट हो जाएंगे. अभी अभी लाइक ऐसा लग रहा है कि थोड़े टाइम पहले ही तो वानी आई थी. हम सोचते थे अच्छा अभी क्यों, कितनी छोटी सी है, कैसे छोटी सी दिखती है, कभी बड़ी होगी, सोई रहती है, हम इसके साथ टाइम कैसे स्पेंड करेंगे. और अब वो सोती ही नहीं है, मतलब सोती है लेकिन थोड़ा हर टाइम नॉटनेस, उसको हर कोई चाहिए खेलने के लिए, उसको लगता है मम्मा पापा और मौसी, मेरी सिस्टर भी मेरे साथ रहती है अभी, तो हम तीनों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि बस सब मेरे पास बैठे रहें और मैं बस खेलती रहूँ. फिर वो तंग नहीं करती ऑल दो, बट लेकिन हाँ उसको ऐसा है कि सब बैठे रहें मेरे आसपास, तो तब वो थोड़ा कंफर्टेबल रहती है. तो हाँ बट लेकिन अच्छा है, बट लेकिन टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है, सब कहते हैं, लेकिन एक्चुअली नाउ डेज आई एम फीलिंग घर पर रह करके और वाने को बड़ा होता देख करके. अभी हम कुछ टाइम पहले घर भी गए थे, लाइक मेरे घर हम उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं, तो हम वहाँ गए थे, लाइक 3-4 months हम वहाँ रह के आए, बट पता ही नहीं लगा कि 4 महीने हो गए घर रहते रहते. एंड आई थिंक जब से मैंने जॉब करना स्टार्ट करा है उसके बाद शायद ये पहली बार होगा कि मैं 4.5 months ऑलमोस्ट 5 months अपने घर रह करके आई हूँ, और इतना टाइम स्पेंड किया मम्मी पापा के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, भाई बहन के साथ. तो आई थिंक पहली बार ही हुआ होगा ये लॉकडाउन. मतलब आई नो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत ख़राब ख़राब चीज़ें भी हो रही हैं इस लॉकडाउन में, बहुत लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बट एक तरीके से अगर कुछ अब सिंस हर जगह से नेगेटिव दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स तो पकड़ने ही है ना हमने. तो आई थिंक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अगर आपके बच्चे हैं उनको बड़ा होता देखना, तो आई थिंक ये बेस्ट है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आज के टाइम पे इतना फास्ट मूविंग हो चुका है हर चीज़, लोगों को टाइम मिलता है अपने घर पे इतना टाइम रहने का, घर से काम करने का लिबर्टी मिलती है, तो ये प्लस पॉइंट भी आई थिंक प्लस पॉइंट भी हमें देखने चाहिए.
बाकी यार सेफ तो रहना ही है, घर पे रहो और अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, तो एटलीस्ट ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है तो इसका हम फ़ायदा उठाएंगे। अभी मैं इसको कुक करती हूँ, आई मीन बेक करती हूँ केक को, देन उसके बाद जब हम वाने का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, एक छोटा सा सेलिब्रेशन, देन विल कैच अप अगैन। तब तक स्टे ट्यून्ड। हाय गाइस, फाइनली हमारा केक बेक हो चुका है जो कि हमने वान्या के 8 मंथ बर्थडे के लिए बनाया है, लाइक ऐसी स्मॉल सेलिब्रेशन। हमने इस पर लिखा भी हैप्पी 8 मंथ बर्थडे वान्या। आई डोंट नो वेदर यू गाइस कैन सी और नॉट, बट थोड़ा थोड़ा सा लिखा हुआ है, हल्का हल्का हो गया है क्योंकि मैंने ये क्रीम थोड़ा ऐसे घर पे ही बनाया, तो ऐसा हम वान्या के साथ केक कर करेंगे। हमने ऐसे एक इसकी एक नानी, मेरी मासी की नानी, इन्होंने एक फ्रॉक लेकर के आई थी, तो आज फाइनली हमने वो निकाल करके उसे पहनाई है। थैंक यू मौसी, बीना मौसी, थैंक यू सो मच। वन इज लुकिंग सो क्यूट इन दैट, ये देखो, वन ये वानिया इज फुल्ली इंटरेस्टेड इन नाउ एंड केक। ये देखो जो कि आप देख सकते हो यहाँ रखा हुआ है, एंड वानिया की नजर भी यही है। ओके, नाउ वी आर कटिंग केक, जस्ट अ मिनट, आई थिंक आई शुड टर्न फैन द कैमरा। अरे चलो इधर चलो। वाने ने पोपट किया हमारा, वाने का को कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। एक बार फिर से बेइज्जती करवाई, फिर से बेइज्जती करवाते हुए वाने का सारा ध्यान केक में। और वान्या, वान्या हाउ डज द पिग डू? वाइंग 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 वाइंग।
How does the pig do? Oink 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 oink. ओके वाना चलो बाय कर दो सबको सबको बोलो थैंक यू हमें देखने के लिए हमारे बर्थडे सेलिब्रेशंस में आने के लिए बाय कर दो माने बाय बाय बाना बाय ओके गाइस साइनिंग ऑफ फॉर टुडे थैंक यू फॉर वाचिंग अस थैंक यू बाय टेक केयर